मेरा नाम है पवन कुमार और आप जो मेरे सिर पर इस वक्त देख रहे हैं वो आम बोलचाल की भाषा में आप या हम इसे टोपी समझेंगे कि मैंने सिर पे ये क्या पत्तों की एक जो शेप की जो है घड़े जैसी आकृति वो पहन ली है, लेकिन इसका एक नाम है और ये आदिवासी समाज के लोग बनाते हैं। और इसमें जिस तरीके से ये बनाया गया है डिज़ाइन, इसमें आप कुछ सामान भी रख सकते हैं, धान होता है। इसको जो बनाने वाली महिला है वो मेरे साथ इस वक्त है, क्या नाम है आपका? अम्मा। अम्मा नाम? नाम नैहरी असुर। हाँ नैहरी असुर। हाँ आप असुर जनजाति से? हाँ असुर है हम। कहाँ से आए? नेत्रहाट से। नेत्रहाट से आए? हाँ वहाँ से। हाँ वहाँ बहुत बदूर से आए। तब ये आप लोग गाँव का नाम दीपा कुजाम। दीपा कुजाम। हाँ इसको इसको क्या बोलते हैं आप? हम लोग पोटोंग बोलता है। पोटोंग। हाँ पोटोंग का इस्तेमाल इसको क्या काम करते हैं? धार रखते हैं। धान रखते हैं? हाँ। सालों भर रहता है धान? हाँ, दो साल भी रहता है। दो साल तक? हाँ। खराब नहीं होता है? नहीं 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 खराब होता है। नहीं खराब होता है? नहीं। भींगता भी नहीं है? नहीं। और ये कौन सा पत्ता से बनाए हैं? लव पत्ता। लव पत्ता। लव पत्ता। एक जो आप बनाते हैं ये कितना समय लगता है इसको बनाने में? लगता है एक दिन। एक दिन लगता है? हाँ बहुत मेहनत से बनाते हैं। हाँ मेहनत तो खैर इसमें आप देखिए यहाँ आप दिखाइए अंदर ज़रा कि देखिए कितनी मेहनत जो है वो यहाँ देखिए। एक एक पत्ते को बीन कर बनाया जाता है। एक एक पत्ते को जो पत्ती जो डंठल होती है उसको आपस में जोड़ कर ये बनाया जाता है ना। हाँ। तो ये आप लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं? हाँ सब सिखाते हैं। आपके बच्चे जो आपके घर में नाती पोता आपका वो बनाता है ये सब? हाँ बनाएगा वो सब। बनाते हैं? हाँ। इसको बाजार में बेचते भी है कि सिर्फ अपने इस्तेमाल करते हैं? ये वाला बेचते हैं। ओला बेचते हैं? हाँ। एक मिनट आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? कृतिका। कहाँ से आए? हजारीबाग से। हजारीबाग से। तो मेला घूमने आए या फिर? हाँ घूमने आए। घूमने आए। ये जो पहने जानते हैं क्या कहते हैं? नहीं बट पुराना जमाने में रेनकोट का काम करता था ये। इसका नाम क्या है? नहीं पता। तो ये भी एक गैप है, पीढ़ी का अंतर है। आपको हम नाम बता रहे हैं दादी, इसको क्या नाम बोलते हैं? इसको चुकड़ू। चुकड़ू। हाँ हाँ नाम समझ गया। हाँ। तो इसे चुकड़ू कहा जाता है। ये चुकड़ू। चुकड़ू। ये जो है बरसात के मौसम में बहुत गर्मी लगता है। हाँ? पानी भी नहीं छूएगा। नहीं छूता है? नहीं छूता है। कितना तेज बारिश को बर्दाश्त कर लेता है ये? दो साल तीन साल चलेगा ये। दो तीन साल तक चलता है? हाँ। तो इसे और बड़ा बना सकते हैं क्योंकि पूरा शरीर तो ढकेगा नहीं इससे? नहीं बनाए में बहुत बगरा बगरा बनाएगा। एक दिखा ले लाई ही नहीं। एक दिखाए। ठीक है धन्यवाद। तो अभी हमने आपको एक बिल्कुल नया चीज़ दिखाया कि किस तरीके से पत्ते से चुकड़ू बनाते हैं, एक ऐसा रेनकोट जो पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है और इसमें दो से तीन साल तक बचते हैं, बारिश में भींगते नहीं हैं और ये काफ़ी गर्म भी रखता है। इसके अलावा ये पोटोंग जिसमें धान रखा जाता है, दो से तीन साल तक इसमें धान लोग रख सकते हैं, धान भींगता भी नहीं है। तो आदिवासी समाज के अंदर अभी भी इस तरीके से प्रकृति के बीच रहकर प्रकृति से चीज़ें लेकर वो इस्तेमाल करते हैं और हमें एक नई सीख देते हैं। ऐसे ही और वीडियो के देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। सरकार की प्राथमिकता जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा नहीं, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिसकी प्राथमिकता पर किसान है और सरकार की कोशिश है किसानों को एक साथ लाना, उन्हें खेतों में सिर्फ अन्न उपजाने वाले किसान से एक कदम आगे ले जाना, किसानों को ही उत्पादक बनाना और एक ऐसी योजना से जोड़ना जिसका नाम है कृषक उत्पादन संगठन यानी
FPO। यूपी सरकार ने 29 सितंबर 2020 को FPO नीति लागू की, जिसमें हर ब्लॉक में एक FPO बनाने का प्रावधान किया गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम ये है कि अब तक प्रदेश में 1200 से ज्यादा FPO तैयार हो चुके हैं। सही मायने में अगर आप एक FPO के बारे में समझें तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसान को अपने ही उत्पाद को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना। ये उसका एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है, जो कि अभी तक आढ़तीय या और बिचौलिए कर रहे थे। तो शायद अब वो FPOs मेन स्ट्रीम में आके उस भूमिका को भी निभाएंगे और किसानों को डायरेक्टली उसका फायदा मिलेगा। कृषक उत्पादन संगठन कुछ और नहीं बल्कि किसानों का ही स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 10 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी के साथ किसानों को जोड़ते हैं। एक FPO को मैदानी इलाकों में 300 और पर्वतीय इलाकों में 100 से ज्यादा सदस्य बनाने होते हैं और 3 साल तक प्रदेश सरकार FPO की मदद करती है। शर्तें पूरी करने पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। सरकार ने सोचा कि यहाँ क्यों ना एक FPO बनाए। उद्यान विभाग के सहयोग से यहाँ पे एक FPO का गठन किया गया और FPO के माध्यम से जब किसान जुड़े और उन्होंने खेती तुलसी की तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो माल लेने आई। इसके पहले ये था कि किसान करते तो थे और मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सामूहिक रूप से खेती शुरू हुई, विभाग का सहयोग रहा, उद्यान विभाग का सपोर्ट रहा और किसान यहाँ पे तुलसी की खेती बहुत आयात में करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि जो FPO है इसमें हमारे FPO में करीब 1070 किसान जुड़ चुके हैं और ये 1070 किसान हैं, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है और तुलसी की जो खेती है वो लगभग 3000 एकड़ में कर रहे हैं। इन FPO का ही एक उदाहरण है आगरा की दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी सैकड़ों किसानों को अपने साथ जोड़कर बीज तैयार कर रही है। आज हमें खुशी होती है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों की एक योजना थी जिसमें कि सीड को बढ़ावा देना था और आज हम लोग जिस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में खड़े हैं वो भी इसी कंपनी का एक प्रकल्प है, जो कि अब किसानों को बेटर क्वालिटी सीड्स मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ा है। जो भी किसान इस संगठन की शक्ति को समझते हैं उनके लिए यूपी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर FPO स्कीम की पूरी जानकारी दे रखी है, जिस पर प्रदेश के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं। दरअसल संगठन की इस शक्ति को समझकर आज किसान आगे बढ़ रहे हैं, बाजार को अपने पास आने के लिए बाध्य कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।